press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर गहरी नजर रखते हैं। और खास बात यह है कि वो आजकल हमारे प्यारे देश भारत में है। तो चलिए जानते हैं कि आज वो भारत के किस शहर में है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। साल देना चाहूंगा 1950 के अंदर साउथ कोरिया ने $15 बिलियन लिया था, आपने $40 बिलियन लिया था उसी दौर के अंदर। फिर आपके 5 साल मनसूबे थे, डॉक्टर महबूबुल हक की तस्वीर बड़ा अरसा सियोल एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने अपने एक हीरो की तरह लगा के रखी है। आप कहां है, वो कहां है, भारत कहां है, बांग्लादेश कहां है, लेकिन आपको कोई एहसास ही नहीं है कि हम कहां है। किसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई पढ़ाने का आपका 250 मिलियन लोगों को पढ़ाने का आपका कोई इरादा नहीं है। आप मुसलसल उनको जिहाद के चक्कर में उलझा के रखना चाहते हैं, ये क्या चक्कर? मेरी अब भाई अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड कर रहा है यार, अब तो सऊदी अरेबिया के अंदर लिकर स्टोर खुलने शुरू हो चुके हैं। सर इंडिया को यूएई जो है वो वीजा दे रहा है 5-5 साल का, और यहाँ पाँच साल का बिल्कुल जो पाकिस्तानी उन्हें विजिट वीजा नहीं मिल रहा होता। मैं आप बिल्कुल कल की खबर मैंने कल ये पढ़ी है, लेकिन पता नहीं पर चलाने वाले किस तरह से चला रहे हैं, कब तक इसको भंभोड़ भंभोड़ के खाते रहेंगे। फिर हमारे जैसा कोई बंदा बात करेंगे कि कहेंगे यार ये पाकिस्तान के खिलाफ बात, और मैं खिलाफ पाकिस्तान के किस तरह हो सकता हूँ यार, मैं तो पैदा ही वहां हुआ था, मरूंगा भी पाकिस्तानी बन, पैदा भी हाँ दुख जख्मी हूं, मैं जख्मी हूं कि दुनिया की हर कौम जो हमारे साथ थी वो भी आगे निकल गई है और आपका रिवर्स गियर ही नहीं खत्म हो रहा है। अब तो पता नहीं, लेकिन मैं बल्कि कल यकीन करें आरजू, मैं जब एयरपोर्ट से उतरा हूं तो मैंने यहाँ पे एक मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो बन रही है और पता नहीं कितने मीलों वो चलता रहा प्रोजेक्ट। मेरे जो होस्ट है उन्होंने बैठे थे, वो उन्होंने मुझे कहा भाई ये इस तरह के प्रोजेक्ट तो भारत के हर शहर में बन रहे कि मेट्रोस बन रही है, रिंग रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये बाकी बात है। सर उनके पास पैसा है, वो कमाते हैं, हमारी तरह कर्जे पे थोड़ी चल रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं मेरा थोड़ा सा डिफरेंट भी, पैसा है भारत के अंदर है, पैसा है अगर तो भारत के अंदर है। यहाँ पे इस वक्त डेस्टिनेशन, मैं अगले दिन जब मैं जामपुर के अंदर, जामनगर के अंदर जब अंबानी साहब के बच्चे की वेडिंग है जिसमें वांका आ रही है, जिसके अंदर कतर के लोग आ रहे हैं, साथ ये भी लिखा गया था कि भारत के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। हर चीज के अंदर नेशनलिज्म, हर चीज के अंदर नेशनलिज्म, क्या वजह है? आप लूटते हैं, भागते हैं वहां से। आप पैसा, मैंने बताया आपके पास तो बहुत पैसा है, आपने इतना लूटा है सारी दुनिया को दहशतगर्दी के चक्कर में, आपने अफगान जिहाद के बारे में इतना लूटा है कि आप सोच नहीं सकते, आपने बहुत पैसा बनाया है। बल्कि कुछ अरसा पहले तो यहां तक था कि मैं स्विस बैंकों में आपका भारत से ज्यादा करप्शन का पैसा था, हालांकि भारत साइज में आपसे बहुत बड़ा है, लेकिन उनका पैसा भारत के अंदर है। वो जाते हैं, मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरा हूं आरसू, तो मैं वहां पे ड्यूटी फ्री शॉप पे गया, तो मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा यार मैं भारतीय कार्ड के साथ पैसे देना चाहूंगा। उसने कहा जी बिल्कुल दें आप, वो रुपया उसका नाम है, अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय करेंसी चल रही है, जबरदस्त। आपके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की करेंसी नहीं चल रही है, ईरान का रुपया चल रहा है, ईरान की करेंसी चल रही है, क्वेटा के अंदर ईरान का पेट्रोल चल रहा है, वहां पर आप ट्रेड नहीं चाहते। अरे आरजू आप ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं और आपकी गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती है, आपकी गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट लेती है कि स्मगलिंग हो ट्रेड ना हो, तो फिर इस तरह कौम में नहीं बनती ना, इस तरह तो फिर मुल्क आगे नहीं जाते। लेकिन कौन लेकर जाएगा, मेरे जैसा बंदा आज परेशान है कि यार कौन लेकर आगे जाएगा। वो जो एक बंदा आज जेल में बैठा है मैसेज भेज रहा है कि मैं जला के भस्म कर दूंगा, IMF को लेटर लिख रहा है, क्यों भाई? यार स्टेट हो आप, स्टेट चला रहे हो जेल से बैठ के। मुझे कल किसी ने जब मैंने ये बात की यहां भारत में किसी से, मैंने कहा यार कि वो IMF को लेटर लिख दिया, उसने कहा जेल से कैसे लिख दिया यार, मैंने कहा जेल तो भाई 5-star होटल है, वो जेल में कम्युनिकेशन हो रही है रोजाना, डेली बेसिस पे डेलीगेट्स आते हैं वहां पे, दरबार लगता है, मौलिया दरबार लगता है वहां पे, खाने भांत भांत के होते हैं, म्यूजिक है वहां पे, तो शायर आ रहे हैं, लतीफे सुना रहे हैं, मर्सिये कहे जा रहे हैं, भाई जेल से IMF को लेटर किस तरह लिख दिया उसने, ये जेल है ये? बिल्कुल
मुझे किसी ने कल न्यू दिल्ली में मुझसे पूछा, उसने कहा हाउ इज इट पॉसिबल कि जेल से वो कम्युनिकेट आईएमएफ के साथ कर रहे हैं। मैंने कहा भाई हमारी ट्रेजेडी है, हमारी ट्रेजेडी। आज मरियम नवाज को डिस्कस किया जा रहा है कि औरत लीडर नहीं बन सकती, फातिमा जना भी थी, उन्होंने भी बेनजीर भुट्टो भी थी। यार खुदा रहा किसी अगले चैप्टर पे चलो यार, को मुल्क के बारे में देखो। और एक वो जो सुबह साथ में वो कहता है, मैं एक बुजुर्ग उसके बाप की उम्र का बंदा, वो कहता है इसको मैं पागल खाने में डालूंगा मौलाना फजलुर रहमान, कोई ना लफ्ज देखते हैं। और इस तरह के लोग जितनी बदतमीजी करते हैं इस पार्टी में के अंदर उतनी ही तरक्की पाते हैं। मगर सर कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा ना इमरान खान को, एजेंसी या फौज या कहीं से, जब तो वो लेटर लिख रहे हैं और हर तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, वरना जेल में बैठा हुआ आदमी इतनी ज्यादा उसके पास पावर है। दुख के साथ ये कहूंगा, इलेक्शन हुआ है तो क्या हुआ है उसके अंदर कि सुना है कुछ लोगों सरकारी अफसरों ने जो टॉप के दो दो कैंडिडेट थे दोनों से पैसे ले लिए। अब वो तो जीत गए, उनको वो तो जीत चुके हैं, जो नहीं जीते वो पैसे मांग रहे हैं और भाग रहे, सरकारी अफसर भाग रहे हैं वहां से। ये दूसरा आलमी है, मुझे आज सुबह पता चला। वो कमिश्नर साहब ने भी तो यूटर्न ले लिया, वो कह रहे हैं कि जी पहले वो पीटीआई के हक में बोल रहे थे, अब फिर इस साइड। एक कमिश्नर साहब तहसीलदार से तरक्की करके कमिश्नर बने थे, मैं दुख से कल बैठ के यहां सोच रहा था एक तहसीलदार लेवल का इंसान किस तरह पाकिस्तान को जाम करने की सलाहियत रखता है। ये आपकी स्टेट की हालत, आपकी स्टेट इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक तहसीलदार ने पूरे मुल्क को थप्पड़ मारा इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, वाशिंगटन डीसी तक उसकी धाक गई है। भारत या दूसरे आपके पड़ोसी तो देख रहे हैं ना, दुनिया तो हंस रही है आप पे, आप क्या जो हो रहा है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने भी देखा है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारात ने उस तहसीलदार के स्टेटमेंट को उसने कोट किया है, और आज मैं गारंटी कर देता हूं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं। मगर सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अब इन्होंने लोन भी तो एक लंबा चौड़ा वापस करना है, वो जो 6 बिलियन आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन ये वापस कैसे करेंगे बाकी जो अभी 2-3 महीने बाद देना है। भाई देख ये उसी की किस्त है, इसमें से कुछ दे देंगे, कुछ खा पी जाएंगे, ये इसमें से देखिए 6 बिलियन इस दफा ले रहे हैं, 3 बिलियन किस्तें दे देंगे, 3 बिलियन खा जाएंगे। कौन किसी ने कभी पूछा है कभी कहां गया, कहां जा रहा है? $6 billion आ रहा है कहां जाएगा, कौन कौन लूटेगा इसको, क्यों नहीं पिटीशन लगाते, क्या वजह है? सर IMF क्यों नहीं देखता कि कहां जा रहा है पैसा? भाई आप उनको सर्व कर रहे हैं, आप IMF कल की एक और बात सुन ले। अब मैं अब क्या कहूं, ये मैंने कल पता चला है, IMF क्यों दे रहा है आपको पैसे? IMF इसलिए दे रहा है कि आप यूक्रेन को असला देंगे, आप अमेरिका के साथ आपने डील बनाई है कि आपके उनके पास और रशियन पुरानी चीज उनके पास मशीनरी है और आपके पास उनके गोले मौजूद है उन चीजों के, वो आप उनको असला देंगे उसके ट्रेड में, आप IMF से पैसे वो आपको दे रहा है, वो रिश्तेदार है आपके, आपका क्या ख्याल है? IMF वाले आपके कजन है, वो आपके फूफी के लड़के हैं वो आपके, आप वो आप बेचते हैं चीजें, वो खरीदते हैं, वो खरीदार है, वो तो अपने इंटरेस्ट में बातें करते हैं। ये कल की खबर चल चुकी है, ये पहले ही उड़ रही है खबर इंटरनेशनल लेवल पे कि आप यूक्रेन को असला देंगे और उन्होंने आपको IMF के पैसे दे दिए। मतलब तो हमने नहीं सुधरना, हमने नहीं, क्या सुधरना, क्या देखिए कम नहीं होते, फिर वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मैं इंदौर में हूँ कल तक इंशाल्लाह, तो मैं उसके बाद मेरा प्रोग्राम है अमृतसर और चंडीगढ़ जाने का, तो इंशाल्लाह मैं जहां जहां भी जाऊंगा वहां से आप अपने देखने वालों से मोहब्बतों का इजहार करते रहेंगे। आरजू दो चीजें बताना चाहूंगा खासकर, कि एक दोस्त मुसलसल मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम यहाँ हैं मिले जाए, मैं इतना उनका शुक्र गुजार हूँ। कल बल्कि एक दोस्त है बल्कि कश्मीरी पंडित थे, वो कल मुझे मिलने आए और 2 घंटे इंतजार करते रहे मेरा, कल वो ओबराय के अंदर मैं मिला उनसे, बात हुई उनसे, तो मैं वेरी हम्बल। और दूसरा आखिरी बात जो आपको बताऊंगा कि कल एक मेरे ट्वीट के ऊपर कोई डॉक्टर साहब है हमारे भारती, उन्होंने एक बहुत बड़ा मेरे बारे में स्टेटमेंट दी जो कि मैं वेरी हम्बल मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस दौर के अंदर कि अगर महात्मा बुद्ध जो थे, जो लॉर्ड बुद्ध थे, अगर किसी मुसलमान फैमिली में पैदा होते तो वो साजिद तारण होना था, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़ा एहसान, क्योंकि और उसकी वाकई ही बात ठीक है कि आरजू मैं हर मजहब का एहतराम करता हूँ, हर इंसान का एहतराम करता हूँ, और मेरे मैसेज में सिर्फ प्यार के अलावा कुछ भी नहीं होगा, और मैं बिलीव करता हूँ
कि इफ एज अ लिविंग ह्यूमन इफ यू डोंट हैव एनी एबिलिटी टू लव ईच अदर देन यू आर नॉट अ डीसेंट ह्यूमन यू आर नॉट मेरे लिए बहुत बड़ी बात मैं उनका शुक्रगुजार हूं उनका भारत ने जितना प्यार दिया है मैं उसका शुक्रगुजार हूं और मैं जहां जाता हूं भारत के लिए भी दुआ करता हूं पाकिस्तान के लिए भी दुआ करता हूं सारी ह्यूमैनिटी के लिए दुआ करता हूं जहां जहां क्राइसिस है जो जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करता हूं मेरी दुआ के अंदर कभी और खासकर मैं मेरे कई मेरे जो मुसलमान भाई हैं वो भी मुझे बड़ा कई क्रिटिसाइज करते हैं तो उनके लिए अर्ज ये है मैंने कहीं बहुत अरसा पहले पढ़ा था कि जो किसी के लिए दुआ करता है उसको अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं बिल्कुल और मैं मुसलसल आरजू सारी दुनिया के लिए दुआ करता हूँ जहाँ जाता हूँ मेरी दुआ के अंदर कभी ना पैसा हुआ है ना कि लालच हुई है और मैं इन चीजों पे बिलीव भी नहीं करता और मैं समझता हूँ मैं कल कैनेड प्लेस किया था न्यू दिल्ली में और मुझे वहाँ 3-4 लोगों ने रिकॉग्नाइज किया इतना प्यार और मैं इतना शुक्रगुजार हूँ उनका और मैं अपनी जिंदगी में कभी उनका एहसान उतार नहीं सकूंगा बिल्कुल ऐसे ही सर भारतीयों के दिल बहुत बड़े और वो मुझे भी इतना प्यार देते हैं मैं भी उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ हम बहन भाई हैं मैं हमेशा ये कहता हूँ एक माँ के दो बच्चे हैं हमेशा ये कहता और बाकी ही इसमें कुछ नहीं बाकी बिल्कुल ऐसा ही है थैंक यू सो मच सर थैंक यू दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन और खासकर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में इनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे जहां पे इन्होंने ना सिर्फ बात की भारत के बारे में बल्कि पाकिस्तान के भी हालात समझाए और खासकर आपने देखा साजिद ताड़ा साहब ने भारतीयों की मेहमान नवाजी की भी खूब तारीफ की तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत।